8 सितंबर को स्मरण करेंगे उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक बाबा श्री चंद जी को। हिंदू धर्म एक खुला धर्म है, इसमें हजारों मत, पंथ और संप्रदाय हैं। इस कारण समय समय पर अनेक नए पंथ और संप्रदायों का उदय भी हुआ है। ये सब मिलकर हिंदू धर्म की बहुआयामी धारा को सबल बनाते हैं। उदासीन संप्रदाय भी एक ऐसा ही मत है। इसके प्रवर्तक बाबा श्री चंद सिख पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र थे। उनका जन्म 8 सितंबर 1449 को पंजाब के सुल्तानपुर में हुआ था। जन्म के समय उनके शरीर पर विभूति की एक पतली परत और कानों में मांस के कुंडल बने हुए थे, अतः लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानने लगे। जिस अवस्था में अन्य बालक खेलकूद में व्यस्त रहते, उस समय बाबा श्री चंद गहन वन के एकांत में समाधि लगाकर बैठ जाते। कुछ बड़े होने पर वे देश भ्रमण को निकल पड़े। उन्होंने तिब्बत, कश्मीर, सिंध, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात, पुरी, कटक, गया आदि अनेक स्थानों पर जाकर साधु संतों के दर्शन किए। वे जहाँ जाते अपनी वाणी व चमत्कारों से दीन दुखियों के कष्टों का निवारण कर देते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। बाबा के दर्शन करने के लिए हिंदू राजाओं के साथ ही मुगल बादशाह हुमायूं, जहांगीर, अनेक नवाब, पीर भी प्राय आते रहते थे। एक बार जहांगीर ने अपने राज्य में प्रसिद्ध पीर सैयद मियां मीर से पूछा कि इस समय दुनिया में सबसे बड़ा आध्यात्मिक बादशाह कौन है। इस पर मियां मीर ने कहा कि पंजाब की धरती पर निवास कर रहे बाबा श्री चंद पीरों के पीर और फकीरों के शाह हैं। एक बार कश्मीर भ्रमण के समय बाबा अपनी मस्ती में धूप में बैठे थे। एक अहंकारी जमींदार ने यह देखकर कहा कि यह बाबा खुद तो धूप में बैठा है, दूसरों को भला क्या छाया देगा। इस पर बाबा श्री चंद ने यज्ञ कुंड से जलती हुई चिनार की लकड़ी निकालकर धरती में गाड़ दी। कुछ ही देर में वह एक विशाल वृक्ष बन गई। यह देखकर जमींदार ने बाबा के पैर पकड़ लिए। वह वृक्ष श्री चंद चिनार के नाम से आज भी वहाँ विद्यमान है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। रावी नदी के किनारे चंबा शहर के राजा के आदेश से कोई नाविक किसी संत महात्मा को नदी पार नहीं करा सकता था। एक बार बाबा नदी पार जाना चाहते थे। जब कोई नाविक राजा के भयवश तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने एक बड़ी शिला को नदी में ढकेल कर उस पर बैठकर नदी पार कर ली। जब राजा को पता चला तो वह दौड़ा आया और बाबा के पैरों में पड़ गया। अब बाबा श्री चंद ने उसे सत्य और धर्म का उपदेश दिया, जिससे उसका अहंकार नष्ट हुआ। उसने भविष्य में सभी साधु संतों का आदर करने का वचन दिया। इस पर बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। इससे उस राजा के घर में पुत्र का भी जन्म हुआ। यह शिला रावी के तट पर आज भी चंबा में विद्यमान है। प्रतिदिन इसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। बाबा का विचार था कि हमें हर सुख दुख को साक्षी भाव से देखना चाहिए। उसमें लिप्त ना होकर उसके प्रति उदासीन भाव रखने से मन को कष्ट नहीं होता। सिखों के छठे गुरु श्री हर गोविंद जी के बड़े पुत्र बाबा गुरदित्ता जी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर बाबा ने अपनी देह लीला समेट ली। भारत माता की जय।